बीते दिन 15 अगस्त को डीएवी कैंट एरिया विद्यालय के बाहर माही की मौत के बाद माता पिता कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार की सुबह लोगों ने स्कूल के एडमिशन में लापरवाही के कारण बच्ची की गई जान मामले में आक्रोशित होकर स्कूल के गेट के समीप धरना प्रदर्शन घंटों देरी करते रहे। धरना की सूचना मिलते ही बोधगया पुलिस अधिकारी स्कूल परिसर में पहुंचकर अभिभावकों और गार्जियन को आश्वासन दिया है कि बच्ची की गई जान के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, कार्यवाही किया जाएगा। वहीं समाज सेवी रवि बर्नवाल उर्फ गुड्डू बर्नवाल ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए भरोसा दिया है और कहा कि कई स्कूल में बच्चे बच्ची की जान जा रही है, इसका लापरवाही है कि बस पर कंडक्टर नहीं रहता है और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे के भविष्य भगवान के भरोसे चलता रहता है, जिससे कई बच्चे बच्चियों की जान लगातार जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि एक तरफ स्कूल में भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए अपने बच्चे लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो दूसरी ओर स्कूल के एडमिशन में लापरवाही बरतने से गई कई बच्चे की जान पर किसी भी तरह का जिला प्रशासन के द्वारा कार्यवाही में कोताही बरती जाती है और जिला परिवहन प्राधिकार ने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बताते हुए मीडिया के कैमरे व सवालों से बचकर निकल गए। मीडिया ने जब वाहनों पर नंबर ना होने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी वाहनों में कमियां नजर आती हैं तो कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरी बच्ची माही आर्यन स्कूल आई और झंडा तोलन के बाद जब वापस जा रही थी तो इसी डीएवी के स्कूल के गेट के सामने खड़ी थी, तो इसी स्कूल का बस नंबर 55 वो उसी से घटनास्थल धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद उसी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने आज तक हम लोग का कोई सूचना किए ना, कोई संपर्क किए हैं आज तक। इतना घोर लापरवाही है जिसे वर्णन करना ही। मामला भी दर्ज कराए थाने में मामला भी दर्ज। हम लोग FIR किए हैं। तो क्या ड्राइवर शराब के नशे शराब का सेवन भी किया हुआ था? शराब का सेवन किए हुए सेवन किए हुए था, जैसे लोग बताया कि हाँ शराब पिए हुए थे। नहीं है, हम लोग जिस समय आए थे उस समय घटना पर सब ड्राइवर चला गया था, कोई नहीं था यहाँ पे। माही आर्यन स्कूल आए थे और स्कूल आने के बाद में जब झंडा तुलन हो गया तो वो घर जा रही थी। इसी घर जाने के क्रम में इसी स्कूल के बस से चपा पड़ जाने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना होने का कारण क्या लगता है आपको प्रथम दृष्टि में? घटना होने का कारण स्कूल प्रबंधन की लापरवाही है। स्कूल अब इतना बड़ा स्कूल खोले हुए हैं, आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं और उसका सामान रखने का आपके पास जगह नहीं है तो आप दुकान क्यों खोले हुए हैं? डीएवी में जो घटना हुई है वो मैंने अत्यंत निंदनीय है और उसमें स्कूल अथॉरिटी का मतलब क्या कहा जाए, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जो कि इन लोग किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गया कि कई स्कूलों में लगातार चार पाँच दिन पहले डीएवी यहाँ पर हुआ कैंट में, उस पर बच्चे का मतलब एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से आज कल की घटना है, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, बाप माने पिताजी ने उसको बस पे चढ़ाया है और उसके बाद से उसको खबर आती है कि सब बच्चा आपका नहीं रहा। वो कौन सा स्कूल का घटना था? वो प्रज्ञा भारती करके कोई स्कूल है। तो मेरा ये कहना है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बस पर चढ़ा दिए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। अब स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर आज नहीं, अगर इसको पनिश किया गया तो आगे के भी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो लचर पचर स्थिति है सारे स्कूलों का, व्यापार इसको दुकान बना दिया है विद्यालय को। आप बस पर जिलाधिकारी महोदय अगर जांच करा लीजिए तो एक बस पर भी कंडक्टर नहीं रहता है, नहीं रहता, एक बस पर भी कंडक्टर नहीं होता है। सभी बच्चे अपने से उतरते हैं, अपने से चढ़ते हैं और अपने से घर जाते हैं। इतना भयावह परिस्थिति है, आज लगातार घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एक तरफ गार्जियन लोग स्कूल में एडमिशन करा के बच्चों लोग के भविष्य के लिए कामना करते हैं और इंतजार करते हैं, ऐसे ऐसे स्कूल रहेंगे हमारे बिहार में या गया जिला में तो बच्चे का भविष्य किधर जाएगा? देखिए, एक चीज कह देते हैं कि घटना व अपराध होता रहेगा लेकिन प्रशासन इस मामले में निरंकुश है।
आज आवेदन इन लोगों ने दिया है। इन लोगों से कुछ मांगे भी है जिसको लेकर एक दिवसीय धरना भी दे रहे हैं। धरना दिया था लेकिन उनकी जो आवेदन दिया है उन्होंने जो मांगे हैं उसको रिसीव कर लिया गया है, उसको आगे दिया जाएगा, अपने प्रबंधन के पास फॉरवर्ड किया जाएगा और जो जेन्युइन चीज़ है वो ज़रूर होगी। मैम आगे की कार्रवाई आपके प्रबंधन की ओर से क्या होगा? क्या स्कूल में स्टाफ बढ़ाया जाएगा बसेस में कि ये सिंगल? हमारी बसेस में ऑलरेडी कंडक्टर और बस ड्राइवर रहते ही रहते हैं और दो शिफ्ट में जब भी चलता है तो मॉर्निंग और डिस्पर्सल टाइम पे टीचर्स भी साथ में जाते हैं। कुछ ऐसी बसेस हैं जिनमें टीचर्स नहीं होते हैं तो उस रूट पर कोई टीचर नहीं जाते हैं इसलिए नहीं होते हैं, अदरवाइज रहते हैं। तो ऑलमोस्ट बसेस की जितनी भी प्रॉब्लम इस तरीके की है वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना राइज करने पाए, फिर भी और सतर्कता की ज़रूरत है जिसके लिए 100% प्रयास किया जाएगा। बच्ची केवल उसी परिवार की नहीं थी, बच्ची मेरी भी थी, मैंने भी उसको खोया है, तो जितना कष्ट उनको है उतना ही कष्ट हम लोगों को भी है हमारे परिवार। देखिए इनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और गाड़ी का वेरिफिकेशन हम लोग करवा चुके हैं, जो ड्राइवर था सीसीटीवी फुटेज से भी हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं कि इसका ड्राइवर कौन है, जो स्कूल प्रबंधन के द्वारा लिस्ट दिया गया था उससे मैच कराया गया है और इसके अलावा मुआवजा जो इसमें निर्धारित है उसके लिए जो आवेदक है उनको हम लोगों ने विधिवत लेटर सबमिट कर दिया और उनको ये सूचित कर दिया है कि उन्हें ऐसे मामलों में सरकारी मुआवजा मिलता है और वो जो चेकलिस्ट है मुआवजा के लिए वो उनको उपलब्ध करवा दिया गया है ताकि वो भर करके दे दे और उनको जो निर्धारित मुआवजा है वो उपलब्ध कराया जा सके। ड्राइवर की पहचान कर लीजिए। ड्राइवर की पहचान क्या नाम है सर उसका? अभी अनुसंधान चल रहा है, अभी नाम उसका। FIR हुआ है गाड़ी का और FIR के बाद जो है गाड़ी का पेपर कमी रहेगा या जो चालक की गलती है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। सर मेन जानना ये चाहिए था कि पूरे गया जिला में जितना भी स्कूल बस है उसमें सिर्फ सिंगल ड्राइवर पर चल रहा है, क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं रोड पार करवाना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसके लिए सर आपके तरफ से क्या दिशा निर्देश हुआ? उसके लिए इन लोग को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि प्रत्येक गाड़ी में अटेंडेंट रखना है, खलासी के साथ अटेंडेंट भी रखना है, अगर अटेंडेंट रहेंगे स्कूल प्रशासन का तो स्टूडेंट जो है शिष्ट होकर के चलेंगे और इधर पानी के नहीं इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए अभी जो यहाँ पर बहुत सारे ये भी थे अभिभावक थे उनको भी डायरेक्शन दिए हैं कि जो सुरक्षित परिवहन कैसे होगा और आप लोग इसमें आप लोग स्कूल प्रशासन अभी 11 शहर में जितने भी गाड़ी चल रही है कहीं ना कहीं नंबर भी देखने को नहीं मिलता है। नहीं नंबर तो सभी का है, नहीं ट्रैक्टर जिसका नहीं रहता है नंबर उस पर फाइन होता है, ट्रैक्टर पर तो नंबर रहता नहीं है कभी। सर वैसे सभी गाड़ियां जिस पर बच्चे जाते हैं जितनी भी गाड़ियां बिना नंबर की चलती है, बाइक वाले बिना हेलमेट के चलते हैं उस पर लगातार चेक होता है, चेकिंग होने के बाद फाइन होता है। अभी भी हम लोग के इसमें ऑफिस में आकर के देख लीजिएगा तो लगभग 20-25 लाख रुपया फाइन हो चुका है।